गुड मॉर्निंग एथ क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोर्टीन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट वी यूज मेनी डिवाइसेज लाइक गीजर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन फैन इलेक्ट्रिक बल्ब कंप्यूटर एंड टेलीविजन अराउंड अस दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशियंट पॉल्यूशन फ्री एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने बहुत सारी डिवाइसेस यूज करी हैं जैसे गीजर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर फैन इलेक्ट्रिक बल्ब कंप्यूटर टेलीविजन और इन सभी को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है आप लोगों ने सेवेंथ क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट और तब आपका केमिकल इफेक्ट जो है नहीं था अब एट्थ क्लास में आपका यह है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है तो उसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और ये पॉल्यूशन फ्री है बिल्कुल यहां पर हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज वेन देयर इज अ सोर्स ऑफ करेंट एंड अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ और सर्किट जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वहां पर कोई सोर्स ऑफ करंट होना चाहिए सोर्स ऑफ करंट में या तो सेल होता है या बैटरी होती है और एक क्लोज पाथ होना चाहिए जैसे आपने पढ़ा था क्लोज सर्किट मेटीरियल मेटीरियल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऐसे मेटीरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो हो जाती है वो कहलाते हैं कंडक्टर्स ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितने भी मेटल्स हैं, वो सभी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है मेटीरियल दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और जिन मेटीरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स जैसे कि रबर प्लास्टिक वुड ग्लास ये सभी इंसुलेटर है इंसुलेटर आज यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्लास्टिक कोटिंग दैट यू सी ऑन टूल्स यूज बाय इलेक्ट्रिशियन इज एन इंसुलेटिक मटेरियल, जो इंसुलेटर्स हैं, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी के डेंजरस इफेक्ट से बचाते हैं इसीलिए जितने भी टूल्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है जहां से उन्हें होल्ड किया जाता है वो सभी इंसुलेटिंग मटीरियल के बने हुए होते हैं इन क्लासिक्स वी मेड एन इलेक्ट्रिक टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटीरियल इज अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर हम लोगों ने पढ़ा था कि मटेरियल जो है वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है इसको हमने टेस्ट करना पड़ा था एन इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल अ टॉर्च बल्ब फिटेड इन अ होल्डर एंड सम कनेक्टेड कॉपर वायर्स एक इलेक्ट्रिक टेस्टर जो होता है उसके अंदर एक छोटा सा सेल होता है उसमें एक बल्ब होता है और एक होल्डर लगा हुआ होता है बल्ब होता है होल्डर के अंदर और एक कनेक्टिंग वायर होती है द मटीरियल टू टेस्ट इज कनेक्टेड इन अ गैप लेफ्ट बिटवीन द एंड ए एंड बी ऑफ कनेक्टिंग वायरस वेन द बल्ब ग्लोज एट वंस द गिवन मटीरियल इज अ कंडक्टर अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी uh, किसी मटेरियल uh, को हम टेस्ट करते हैं और उसमें कनेक्टिंग वायर लगी हुई होती है और बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब वो मटेरियल कंडक्टर है व्हेन द बल्ब डज नॉट ग्लो एट ऑल द गिवेन मटीरियल इज इंसुलेटर जैसे कि आप ये देखो ये आपका एक सर्किट बना हुआ है इस सर्किट में क्या लगा हुआ है इन सर्किट में यहाँ पर एक सेल है एक बल्ब होल्डर लगा हुआ है लेकिन जो ये वायर है ये बीच में आपका यहां खाली है इस जगह से ये इसका मतलब ये ओपन सर्किट है ओपन सर्किट होने की वजह से यहां पर ये बल्ब ऑन नहीं होगा इसी तरीके से एक सर्किट बना हुआ है जिसमें यहाँ बल्ब लगा है एक सेल लगा है और ये वायर को कनेक्ट करने के लिए एक क्लिप लगा रखा है तो इसका मतलब ये जो सर्किट है ये क्लोज हो गया इसलिए बल्ब ये ग्लो कर रहा है ऐसे ही इसी सर्किट के अंदर ये क्या कहलाएगा ये सारा कहलाएगा आपका कंडक्टर क्योंकि इसको बीच में पिन से अटैच करने से ये बल्ब ग्लो कर रहा है इसलिए ये है मेटल है पेपर क्लिप क्या होता है मेटल का बना हुआ होता है आयरन का तो इसलिए ये कंडक्टर है ऐसे ही एक पूरे सर्किट के अंदर अगर पेपर क्लिप हटाकर उसकी जगह एक इरेजर लगा देंगे या एक वुड का पीस लगा देंगे तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा क्योंकि ये क्या है इंसुलेटर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर यू नीड टू चेक द इलेक्ट्रिक टेस्टर बिफोर यू कंडक्ट एनी एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टूगेदर फॉर for a moment this completes the circuit of the tester and bulb glows however if the bulb does not glow it means the tester is not working the possible reasons are connection are loose check that all the connections are tight the bulb is fused replace the bulb with a new bulb आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी इलेक्ट्रिशियन को घर पे बुलाया जाता है तो उसके पास एक बल्ब होता है बल्ब में दो वायर होती हैं वो उन दोनों वायर को आपस में अटैच करके देखता है कि वो बल्ब वहां से जल रहा है या नहीं जिस भी पॉइंट को वो ठीक करने के लिए आता है अगर वह बल्ब नहीं जल रहा तो इसका मतलब कि या तो बल्ब खराब है या जो कनेक्शन लूज है तो उन दोनों को टेस्ट करने के बाद टेस्टर को यूज करने के बाद चेक करने के बाद ही वो अपना काम आगे स्टार्ट करता है रीजन थ्री द सेल इज यूज अप रिप्लेस द सेल विद न्यू वन और तीसरा कारण यह हो सकता है कि वो सेल जो है वो खत्म हो चुका हो उसमें पावर नहा रही हो तो सेल को रिप्लेस किया जाता है नोट वाइल चेकिंग योर टेस्टर डो नॉट ज्वाइन इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड टू तो प्रिवेंट द सेल और अ बैटरी टू तो ड्रेन वेरी क्विकली तो उसको जो चेक करने के लिए जब दोनों एंड्स को मिलाया जाता है तो फिर कुछ एक सेकंड के लिए मिलाया जाता है जिससे कि वो बैटरी या सेल जो है वो ड्रेन ना हो जाए खत्म ना हो जाए मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रिक टेस्टर अब मॉडिफिकेशन क्या है द बल्ब ग्लोज वन द इलेक्ट्रिक करेंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक टेस्टर ड्यू टू दीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो बल्ब ग्लो करता है वो हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करता है वेन द करंट पासिस थ्रू द बल्ब ड्यू टू दिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फिलमेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग जब हिटिंग इफेक्ट उसमें आता है करंट फ्लो करने पर तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है क्योंकि जो फिलामेंट होता है वो हीट हो जाता है और ग्लो करने लगता है वेन द करेंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशियंटली एंड इट डज नॉट ग्लो और अगर फिलामेंट जो होता है उसका वो वीक होता है सर्किट वीक होता है तो वो फिलामेंट ग्लो नहीं करता सो वी मे यूज अ मोर सेंसिटिव डिटेक्टर सच एज एलईडी और मैग्नेटिक कंपास इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड टेस्टर तो इसकी वजह से आजकल मॉडिफिकेशन क्या हो गया है नए आ, उसमें वहां पर आप क्या करते हैं बल्ब की जगह एक एलईडी यूज करते हैं या इलेक्ट्रिक कंपास यूज करते हैं एक स्टैंडर्ड नए मॉडर्न टेस्टर के लिए एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड इट इज अ सिंपलर टू बल्ब बट इट रंस वेरी लो वोल्टेज एलईडी क्या होता है एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है जो कि बहुत हल्की वोल्टेज में भी ग्लो करता है बल्ब जलता है एलईडी ग्लोस इवन वेन वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू इट अगर उसके अंदर बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो भी वो ग्लो करता है द कलर्ड लाइट दैट यू सी इन रिटेल स्टोर स्टेजेस ब्रिजेस एंड इवन इन द की पैड्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो एलईडीज जितनी भी आपको अपने गैजेट्स में दिखाई देती हैं लाइट्स एलईडी लाइट्स या ब्रिजेस uh, के ऊपर भी दिखाई देती है वो सभी एलईडी होती है टू वायर्स आर अटैच टू एलईडी वन लीड इज लेड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर दो वायर होती है ये एलईडी के अंदर एक वायर जो है वो थोड़ी छोटी होती है और एक थोड़ी बड़ी होती है

डिटेक्ट कर लेती है इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करेंट मैग्नेटिक कंपास है इसलिए वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है अ स्मॉल इज फ्लोइंग थ्रू द वायर द द द डिफ्लेक्शन ऑफ ऑफ नीडल मैग्नेटिक कंपास शो दैट इज फ्लोइंग थ्रू वायर जब बहुत स्मॉल करंट उसमें फ्लो होती है तो भी डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल उसमें दिखाई देता है नीडल हिलती हुई दिखाई देती है एलईडीज आर इंक्रीजिंगली बींग

तो इसका मतलब उसमें इंसुलेटर लगा हुआ है इफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज टू वीक द बल्ब डज नॉट ग्लो और जो करंट है वो बहुत कम हो रही है उसमें करंट नहीं जा रही है तो वो ग्लो नहीं करेगा नेक्स्ट हम नेक्स्ट आगे इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में